नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.covin.gov.in अथवा selfregistration.covin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित ओकओवर की नवगृह वाटिका में पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, शमी, दूब, कुशा और मदर के पौधे रोपित किए। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गत दिवस नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस संबंध में निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में धान का MSP 1,868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपये, जबकि ए ग्रेड धान का मूल्य 1,888 रुपये से बढ़ाकर 1,960 रुपये किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मक्की का MSP 1,850 रुपये से बढ़ाकर 1,870 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को इन फसलों को व्यापक स्तर पर उगाने के लिए प्रोत्साहित करने और मांग व आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए श्रेष्ठ तकनीकों तथा कृषि अपनाने के लिए सभी बीजों, दालों और मोटे अनाजों के MSP को पुनः निर्धारित करने के लिए गत वर्षों के दौरान ठोस प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस वर्ष नवंबर माह तक पात्र परिवारों को निशुल्क राशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख से भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को हमेशा मदद करती है और खासतौर अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के लिए पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास सुनिश्चित हुआ है उसमें सहयोग मिला है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में मेरा प्रवास था उस दौरान भी बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के जो मिलना हुआ है और उसमें सब में काम आगे बढ़ाने की दिशा में चीज़ें हुई हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रोजेक्ट्स, जो योजनाएं, जो केंद्र में हमने भेजी हुई हैं सिलसिलेवार जो है वो सुरक्षित होकर के निकल रही हैं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए जो तमाम सारी बातों को लेकर के विपक्ष के लोग गाहे बगाहे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बात करने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बात कहने की कोशिश करते थे, उन सारी बातों पर विराम दिया। 45 साल से ऊपर के लिए जो फर्स्ट फेज की वैक्सीन उसको पहले ही उनने घोषित कर दिया कि उसको केंद्र सहयोग करेगा और उसके बाद 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए जो वैक्सीन उसके लिए भी सुनिश्चित कर दिया कि ये वैक्सीन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने पहले ही इस बात की घोषणा भी कर दी थी लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी राहत लगभग प्रदेश सरकार का 350 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है इसमें हमारा जो है बचेगा जब केंद्र इसमें सहयोग करके जो है हमको वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। और उसमें दूसरे पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी वैक्सीन लगा पाएंगे और उनके लिए 25% जो है उसमें कोटा सुनिश्चित करने के साथ में तय किया कि सर्विस चार्जेस के नाम पर मात्र 150 रुपये वो ले पाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन उपलब्ध कराया जाए उस राशन को
नवंबर तक यानी कि दिवाली तक उसके लिए उसको जो है वो और आगे बढ़ा करके देने का निर्णय किया, जिससे देश की 80 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा, सस्ता राशन मिलेगा। ये सारी जितनी भी उस दिन राष्ट्र के नाम पर संदेश देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उनका हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत सराहनीय कदम आदरणीय प्रधानमंत्री, और विपक्ष के लिए मुझे लगता कि अब कोई जवाब देने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि कोविड के संकट में, इतने बड़े संकट में विपक्ष सिर्फ टिप्पणी करता रहा अपने राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए, और उन तमाम बातों का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के माध्यम से दिया गया। मैं इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो खासतौर से जो खरीफ की जो फसल के लिए जो MSP जो इंक्रीज की है, ये बहुत बड़ा एक स्वागत योग्य एक निर्णय और हमारी उस दिशा में है। अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा RD धीमान ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से हिमाचल प्रदेश COVID-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए 7,51,704 रुपये का चेक भेंट किया। इंद्रप्रस्थ कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के CMD श्री संजय अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए श्री जयराम ठाकुर को 2,51,000 रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनित कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,241 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,013 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,206 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 20,82,524 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,83,164 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,96,944 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,87,660 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 5,928 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।